आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्राइड के बारे में या घमंड या अहंकार जिसको वो हम बोलते हैं ठीक है ठीके? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऐसे लाइफ में एक अपना सीवी बनाया है सीवी बोले तो रेज्यूमे जब आप कोई भी जगह पे काम के लिए जाते हैं तो वो आपको पूछते आपका काम क्या है क्या काम किया आपने आ, क्या आपने आ, है ना क्या क्या आपने जिंदगी में क्या किया है आपने क्या कहाँ काम किया है पहले कहाँ की किए ऐसे किसी ने लिखा है सी वी अपना रेज्यू में हाँ और कभी कभार ना ऐसा हो जाता है जिंदगी में कि हम ना जब चाहिए नहीं चाहिए ना तो भी लोगों को अपना रेज्यूमे में सुनाने के चक्कर में लग जाते हैं है ना जब आ, आज वही आलन पूछ रहे थे कि आपका तो इतना लंबा है मैं घर जाके आ जाता हूँ तब तक है ना मेरा इंट्रो एक्चुअली काफ़ी इससे भी बड़ा था पास्टर बोला बहुत छोटा कर दो आ, तो मेरे में भी थोड़ा सा शायद अहंकार आ गया कि मैंने एक लंबा सा अपना इंट्रो भेज दिया आ, लेकिन होता है कई बार हम किसी के साथ बैठते हैं किसी के साथ बात बातचीत करते हैं और बिना बेवजह बे मतलब है ना अरे तुकू तो पता है मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया मैं जो वर्ड मैं है ना जो शब्द मैं है आई ये ना प्राइड का सबसे पहला स्टेप होता है ये अहंकार का पहला स्टेप होता है जब हम ये सोचते हैं कि ये सब मैंने किया है ना तो प्राइड होता क्या है और पवित्र आ, जो बाइबल है वो प्राइड के बारे में क्या कहती है तो चैप्टर 16 वर्सेस 18 हम सुनेंगे इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में सिस्टर पढ़ेंगी मनुष्य विनाश के पहले अहंकार और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है है ना मनुष्य कैन यू रीड दैट अगेन विनाश के पहले अहंकार और हाँ। पतन के पूर्व गमंडी हो जाता है है ना और प्राइड जो है ना बहुत बहुत ही सिंपल वेज में जो प्राइड जो है ना वो ये चीज है जो हमें जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है ना वहां से खींच के उस जगह ले चलता है जहाँ शैतान हमें ले जाना चाहता है प्राइड वो चीज़ है जो बहुत ही सिंपल रीति में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये चीज़ है कि परमेश्वर का वचन जब हमें कहता है कि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़े प्लान है बहुत बड़े बड़े योजनाएं हैं बहुत सारे अच्छे योजनाएं हैं आपके लिए लेकिन शैतान जो सोचता है शैतान भी सोचता है शैतान का खुद का बाइबल है वो खुद भी सोचता है कि मेरे पास भी प्लान है आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आए उसे मैं चोरी करूं या तो उसको नाश करूं या तो उसको मार दूं आपके दि, आपके दिल में अगर कोई ख्वाब है आपके ज़िंदगी में अगर कोई इच्छाएं है और आपके ज़िंदगी में अगर आप कोई चीज़ कोई चीज़ सफल करना चाहते हैं या कोई चीज़ में सफ़ल होना चाहते हैं तो शैतान ये सोचता है कि मैं इसको कैसे हराऊँ मैं इसको कैसे तोड़ूँ मैं इससे कैसे इसकी खुशियाँ चोरी करूँ इसके जो दौलत है जो परमेश्वर ने इसके लिए दौलत रखे वो कैसे छीन लूँ और शैतान के पास एक बहुत ही बढ़िया वेपन है और बहुत सिंपल वेपन है और वो ऐसा वेपन है शैतान के पास कि वो बहुत इजीली यूज कर सकता है और वो है प्राइड अहंकार कुछ नहीं करता है वो आपके सामने एक आयना ला देता है है ना और उस आयने में बस ये दिखता है आपको कि आप कौन हो लेकिन शैतान उस आयने में एक छोटी सी चेंज कर देता है ही मेक अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन दैट रिफ्लेक्शन वो आयने में जब आप देखते हो आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरे जिंदगी में क्या हुआ है वॉट इज हैपेंड वॉट इज हैपनिंग हम ये भूल जाते हैं कि किसने किया या हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये सब तो मैंने ही किया है ये सब तो मेरी मेरी अचीवमेंट्स है है ना थोड़ा सा एक आ, एक घमंडी आदमी कौन है एक एक आदमी जिसमें अहंकार है वो कौन है कैसा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसका जो कॉन्फिडेंस है जिस, जिसने ये समझ लिया या ये सोचता है कि परमेश्वर के वजह से कुछ नहीं होता है परमेश्वर ने कुछ नहीं किया परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया यार ये सब तो मैंने किया है ये मेरी अचीवमेंट से ये मैंने किया अपने बल पे किया है अपने मेहनत से खून पसीना एक करके आपने ये सब सुना है हम भी कहते हैं काफी बार आई एम अ सेल्फ मेड मैन है ना आई एम अ सेल्फ मेड वुमन मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ मेरे को किसी ने हेल्प नहीं किया मेरे पास कोई गॉड फादर नहीं था मेरे पीछे मेरे पास ये नहीं था मेरे पास वो नहीं था मैं कोई अमीर आदमी से नहीं आया हूं मैंने किया ये मैंने किया है है ना हम सोच सकते हैं ऐसे लेकिन ये सच नहीं है a... हाँ लाइफ में हमें ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए जरूरी है और एक अच्छी चीज भी हो जाती है जब हम इस चीजों के बारे में सोचते हैं कि हाँ हम कहाँ से कहाँ आ गए लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम किसके वजह से वहाँ पहुँचे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको क्या है ना जैसे कि बहुत सारा बाइबल लेके आपको मुंह खोल के आपके ऐसा स्टफ नहीं करना चाहता हूँ मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें बताना चाहता हूँ बहुत सिंपल चीज़ें आपके पास लेके आना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि अगर आप ये लेके चले जाइए वापस आज और आज से अपने जिंदगी में इसको अपना लीजिए आपका जिंदगी में बहुत बहुत बदलाव आने वाला है बहुत कभी कभार आप ऐसे सोचते कि यार परमेश्वर मैं यहाँ तक तो पहुँच गया यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ नो you know, आपने कहा था कि आपके पास मेरे जिंदगी में योजना है आपने मेरे को आपने यू uh, नो you know, कहा था कि आप मुझे चंगा कर देंगे आपने कहा था कि आप इसके आगे यहाँ ले जाएंगे लेकिन क्यों ऐसे हो रहा है कि मैं यहीं पर अटकाऊँ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ जिंदगी में और कोई नई चीज नहीं हो रही और कोई कोई चीज सही नहीं हो रही क्यों मैं ऐसे अटका हूं कुछ कुछ चीजें हमें सोचना चाहिए आगे बढ़ने से पहले ये जो तीन वर्ष है मैं वापस सिस्टर से पूछूंगा कि वो हिंदी में इसे पढ़े नीति वचन इक्कीस का चार गमंडी आंखें दबी दम दंबी हृदय तथा दुष्ट का दीप पाप है या नेक्स्ट वन yeah, प्रवचन 25 27 नीति वचन 25 का 27 मधु का अत्यधिक सेवन किसी प्रकार लाभ कर नहीं होता ठीक इसी प्रकार अपने लिए सम्मान से और अधिक सम्मान का यत्न करना लाभ कर नहीं होता थैंक यू एंड देन साम स्टैंड फॉर टेन भजन संहिता दस का चार दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर की कामना ही नहीं करता वह अपने मन में मात्र यही विचार करता रहता है परमेश्वर है ही नहीं हाँ है ना काफी बार जिंदगी में हमारे जिंदगी में हम ऐसे सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे साथ जिंदगी में जब कोई अच्छा चीज हो रहा है तो मैं ऐसे सोचता हूँ ये सब मैंने किया जब कोई बुरा चीज होता है तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर है ही नहीं और ऐसे ऐसे हमारे ज़िंदगी में क्या हो जाता है शैतान जो है वो बहुत ही स्लोली बहुत ही धीमे से हमारे में एक ऐसा एक अनबिलीफ ला देता है हमको ऐसे बना देता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो भी है अभी तो परमेश्वर नहीं है यार मुझे ही करना है जो करना है मुझे ही करना है जैसे मेरे को जीना है जैसे मेरे को आगे बढ़ना है मुझे ही करना है क्योंकि परमेश्वर नहीं है वो मेरी मदद नहीं करेंगे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे वो मेरी मदद पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन हमें Uh, हम ऐसे एक मुकाम पे आ जाते हैं जिंदगी में जहाँ हमें लगता है कि या तो परमेश्वर नहीं है या मुझे उसकी उनकी जरूरत नहीं है है ना बट क्या हम है घमंडी आज ये जो मैसेज है मैं इसके लिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप है ना घर वापस जाके बोलना अरे पास्टर आपके बारे में बात कर रहे थे आप तो थे नहीं वहां पे है ना आज ये मैसेज है वो इसके लिए नहीं है कि आप अपने बाजू वाले को बोलो ओ, देख 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 तेरे लिए बात कर रहे हैं नहीं 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 ये ये हमारे लिए ये मेरे लिए कल जब मैं आ, मैं अपने स्लाइड्स जब बना रहा था तब मैं ये भी सोच रहा था मैं अपने लिए भी सोच रहा था कि क्या मैं घमंडी हूँ क्या मैं आ, है ना जब जब भी अपना आ, किसी को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मेरे बारे में क्या मैं हर बार ये सोच के सोचता हूँ कि क्या मैं परमेश्वर को ऊंचा स्थान दे रहा हूँ या अपने आप को ऊंचा स्थान दे रहा हूँ जब मैं दस लोगों के बीच में बैठा हूँ तो क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ या मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर कितना बड़ा है तो कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदगी में अगर हम देख लेंगे कुछ चीज़ें अगर हम इस पर फ़ोकस करेंगे आ, पाँच मिनट और मैं आपका फोकस चाहता हूँ पाँच मिनट के लिए ठीक है मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट बारह बज चुके हैं खा भूख लग रहा है आ, आप शायद नाश्ता करके नहीं आए हम भी नाश्ता नहीं किया है ठीक है लेकिन साथ में खाना ज़रूर खाएंगे ओके सो okay. so, कुछ ऐसे चीजें जो हम देख सकते हैं कि क्या हम जो अहंकार है जो घमंड है ये हमारे में है कि नहीं सबसे पहले चीज क्या मैं सब कुछ जो क्रेडिट है जो जब हम कहते हैं ना हम हमने जो भी हमने अचीव किया है क्या हम वो सब परमेश्वर को दे रहे हैं ये एक पहला क्वेश्चन आप अपने आप को पूछ सकते हैं एम आई गिविंग गॉड ऑल द क्रेडिट मेरे जिंदगी में जो भी होता है क्या मैं हर बार जैसे कि कभी आप कोई आके आपको बोलता है आपने इतना अच्छा गाना बजाया आपने अच्छा इतना अच्छा से प्ले किया आप इतना अच्छा खाना पकाती है आप इत, आपको कई बार हमको लोग हमारे स्किल्स में हमको यू नो इनक्रेज करने के लिए हमको बोलते हैं हमारा रिएक्शन कैसा होता है हाँ यार दस साल से मेहनत कर रहा हूँ यार कुछ तो दिखना चाहिए है ना या ऐसे कह अरे नहीं नहीं ये तो मैं इतने सालों से बना रहा हूँ ये ना ये सेवन तो मेरे को तो आग बंद करके बना सकता हूँ मैं ये है।, है ना बट हम क्या हम हमारे जिंदगी में हर चीज़ को परमेश्वर को आगे ला रहे हैं क्यों क्योंकि हमारे जिंदगी के जीने के तरीके से हमारे ज़िंदगी में जिस तरीके से हम जीते हैं, जब लोग वो देखते हैं ना तो लोग को हम ये दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है हम नहीं हम, हम, हम हमारे जिंदगी में आप सब जानते हैं मैं आपको कहता हूँ मेरा यहाँ खड़े होने का कोई मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिसके वजह से मैं यहाँ खड़ा रह सकूँ जो मैं हूँ जिस, जिस तरीके का व्यक्ति हूँ जिस तरीके का आदमी हूँ मैं जो मैंने पाप किए हैं पहले उसका उसको अगर आप देखोगे तो मेरा कुछ ये नहीं बनता यहाँ खड़े होने का मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ परमेश्वर की वजह से <insects> मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ उनके वजह से सिर्फ <ographic objectivedefense> उन्होंने जो हमारे गलतियों के बावजूद उन्होंने हमारे गलतियों को सुधारा हमने जब भी गलत रास्ता चुना उन्होंने फिर से हमको संभाला है ना बाइबल में एक बाइबल में एक कहानी है एक भेड़ एक चरवाहा की है ना उसके पास सौ भेड़े भेड़े होते हैं right? है उनके सौ भेड़े होते हैं और वो वो जब वापस घर जाता है और वो गिन रहा है सबको और देखता है कि एक बाकी है नयानबे इन, 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 को वो क्या करता है एक जगह पे एकदम सेफ रख के वो एक के पीछे भागता है और वैसे ही परमेश्वर मेरे पीछे भागे थे मेरी जिंदगी में गर्व के वजह से मैं काफी कुछ खो चुका हूँ काफी गलतियाँ किए हैं काफी गलतियों के अभी भी भुगत रहा हूँ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे भागता है जब हम बार और, और बहुत बढ़िया ऐसा है ना कि हम जितना भी तेज भागे जितना भी तेज परमेश्वर से दूर भागे बस एक बार पलट के देखना है यार परमेश्वर आम सॉरी आप हो क्या आपके तरफ क्या मैं आ सकता हूँ वही सामने आपके पीछे खड़े रहेंगे वो ही इज़ वेटिंग फॉर यू हाँ सेकेंड थिंग क्या मैं ये समझ सकता हूँ क्या मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ कि मेरे जिंदगी में जो मेरे स्किल्स हैं जो मेरे गिफ्ट है वो परमेश्वर की ओर से आए हैं आप आपका आप शायद को अच्छे से बात कर सकते हैं आप शायद अच्छे से गा सकते हैं शायद आपको हाइट है आप बास्केटबॉल अच्छा खेल सकते हो शायद आपको एजिलिटी है आप फुटबॉल अच्छा खेल सकते हो है ना मेरा साइज़ बड़ा है तो मैं गोल की अच्छा बन सकता हूँ क्योंकि क्या फिर गोल मारने का जगह कम हो जाता है है ना सो वी ऑल हैव आर ओन गिफ्ट थैंक्स प्रेज गॉड राइट सी आई वॉज वेटिंग फॉर पास्टर टू कम टू मेक द पॉइंट बट ही लेफ्ट अच्छा वही मैं बोल रहा था ना अभी मेरे जैसे गोल की और रीना मैम जैसे गोल की अगर देखे तो चांसेस गोल जाने का उनके साथ ज़्यादा है ना सो so, हमारे भी कुछ एडवांटेज होते एनी वेज सो जो परमेश्वर की हमारे लाइफ में गिफ्ट है ना कुछ स्किल्स हैं हम अच्छा अच्छा खाना पका के दूसरों को खिलाते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आता है हम uh, हम अच्छा कपड़े सी के लोगों के शरीर पे डालते हैं उनको खुश खुशी आती है हम सब के पास स्किल्स हैं और वो स्किल्स कहाँ से आए परमेश्वर ने दिए अंदर से आता है वो हमें क्योंकि परमेश्वर जब हम अपने माँ के अ, को, कोक, कोक में थे तब से परमेश्वर हमारा नाम जानता है है ना परमेश्वर हमको जानता है परमेश्वर ने हमें हर एक चीज हमारे में अगर मुझे ये हाइट दिया है परमेश्वर ने दिया है ऐसे बाल दिए हैं परमेश्वर ने दिया है अगर जिस तरह है ना जो मेरे पास स्किल्स है परमेश्वर ने दिया है हमें ये हर बार या जिस जैसे हम ये कहना चाहेंगे ये मेरा है मैंने किया वो परमेश्वर ने लिया है <laughs> लेकिन बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है आज हमारे बीच में एक हस्तियां बैठे हैं। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया उन्हें। है, ना? मैं मैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट था कि <laughs> <laughs> कि मैं उनके साथ मैंने कुछ दो दिन दो तीन दिन पहले नाश्ता किया और उनके बारे में सुना उनकी जिंदगी में जब आप सुनते हैं तो वो जिस तरीके से वो परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर की स्तुति करते हैं अपने ज़िंदगी में है ना मैं बहुत आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड इन टच थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग है ना तीसरी चीज़ क्या हम सच्ची में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे प्लान बनाते हैं ये सोच के कि अरे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा या मेरे ज़िंदगी में क्या मेरे नीड्स क्या अभी कई बार ऐसा होता है जब आप कोई यंग कपल के पास बैठे हो बात कर रहे हो और हम ऐसे इस बात सोचते हैं कि अरे आपके बच्चे नहीं हुए आपके और काफ़ी यंग कपल्स ऐसे सोचते नहीं हम रेडी नहीं है हम तैयार नहीं है हम ये नहीं है जब हम ऐसे तैयार होंगे जब हम वैसे तैयार होंगे तो ऐसे यू नो मैं मैं एक यंग कपल के साथ बैठा था और ये बात मुझे भी चुभी क्योंकि आई आई बीन मैरिड सेवन ईयर्स एंड मेरे अभी तक बच्चे नहीं हैं बट uh, मुझे भी ये बात चुभी ये सोच के कि कई बार हमने हम ऐसे डिसीजन लेते हैं कि नहीं हम रेडी नहीं हैं लेकिन सच तो यह है कि जब हम रेडी होंगे तो परमेश्वर परमेश्वर के समय में परमेश्वर रेडी होते हैं है ना वी शुड बी रेडी फॉर वॉट एवर गॉड गिवस अस हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो गाड़ी को ना बहुत ठोक 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 करके हम गाड़ी कैसे तो कैसे करके फिनिश लाइन तक पहुँचती है एकदम बहुत ही टूटी पुटी वे में हम वे बाय द टाइम हम अपना रेस ख़त्म कर लेते हैं आर अ वेरी ब्रोकन डाउन कार बट अगर हम गाड़ी का जो व्हील है व्हील नहीं सॉरी स्टेयरिंग व्हील है गाड़ी का व्हील नहीं स्टेयरिंग व्हील परमेश्वर के हाथ में दे तो सही और सुरक्षित और बहुत ही अच्छे रीते में हम अपना रेस कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है है <coughs> जो चौथा चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ अभी ये सब तो हम बात करते हैं परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ये सब आता कहाँ है ये सब हम समझेंगे कैसे ये सब को हम आ, अपने जिंदगी में अपनाएंगे कैसे बहुत सिंपल परमेश्वर का वचन है ना कई बार हम सोचते हैं अरे परमेश्वर मुझसे बात करो अरे परमेश्वर एक शब्द तो मुझे बोलो अरे परमेश्वर मुझे कुछ तो बताओ क्या करूं मैं कुछ तो बताओ और कभी कभार मैं ये सोचता हूँ परमेश्वर ऊपर से देख के हंसते रहते सब कुछ तो दिया है अरे मैं आ, क्या करूं है ना मेरा 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 गर्लफ्रेंड या मेरा आ, मेरा डिसीजन एक सही डिसीजन है एक गलत डिसीजन है बहुत सिंपल है आ, जैसे ब्राइब देना ब्राइब को क्या बोलते हैं हम घूस देना है ना परमेश्वर में क्या करूँ घूस दूँ कि नहीं दू वॉट डू आई डू लॉट शुड आई गिव्राइब आई नॉट गिवराइब गॉड प्लीज स्पीक टू मी आपको क्या लगता है परमेश्वर ऊपर से आके बोलेंगे हाँ घूस दो <laughs> परमेश्वर भी है अरे बाबा है ना सामने वहां लिखा है नहीं देना है सही नहीं है जो गलत है वो गलत है है ना हम परमेश्वर के दिल को अगर जानना चाहते अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर को हमारे जिंदगी में क्या चाहते हैं और कैसे हमारी जिंदगी का वो मार्गदर्शन कर सकते हैं हाउ कैन गॉड शो अस द वे बहुत सिंपल है परमेश्वर का पुस्तक जो है ही हैज गिवन उनके उनके वचन उनके वाक्य है इस, इस बाइबल में हमारे ज़िंदगी के जीने के तरीके हैं इसमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कहाँ कैसे कब अगर आप ओल्ड टेस्टिमेंट पढ़े तो परमेश्वर ने तो लोगों को ये भी दिखाया था कि कैसे क्या कपड़े क्या वस्त्र कभी कैसे पहनना चाहिए है ना परमेश्वर ने ऐसे गाइडलाइंस दिए हमें कि हम जिंदगी में कभी ठुकराना नहीं चाहिए हमको अगर हम जिंदगी में आज आप में से कोई भी ज़िंदगी में ऐसे जगह पे है जहां आपको स्ट्रेस हो जहाँ आप जिस चीज़ के बारे में वरीड है आपको कुछ परेशानी हो रही है या आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ तो गड़बड़ है वो इसलिए है कि आपने उसके बारे में पवित्र पर परमेश्वर के वाक्य में देखा नहीं है आप ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है पास्टर के पास आइए पास्टर सैली के पास आइए आपके जो चर्च में है लोग उनके पास आइए परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही इट्स स्प्रेड्स फार वाइड एंड डीप वो काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी चौड़ा भी है हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर ने सोचा ना हो ये एक बार सोच लीजिए कि जिसने पूरी कायनात को का को बनाया पूरे कायनात को जिसने बनाया वो आपके ज़िंदगी को भी उतने ही बारीकी से प्लान करके रखते हैं आपके ज़िंदगी में भी उतने ही बारीकी से देखते हैं वो तो इतने बड़े इंसान जब आपके साथ हैं तो क्यों हम ठोकर खाए तो क्यों हम हर बार यू नो गलती से गल गलती में चले जाए क्यों हम हर बार यू नो एक स्ट्रेसफुल एनवायर अरे जिंदगी दिया है परमेश्वर ने आदम और यवा को गार्डन ऑफ इडियन दिया था अरे इन्जॉय करो यार है ना लोग लोग बाहर बाहर से आते गोवा गोवा देखने हरियाली देखने पानी में इन्जॉय करने परमेश्वर ने हमको पूरा एक सृष्टि दिया है आप में से कितने लोग ने पूरे जो अर्थ है उसमें से एटलीस्ट पाँच या दस परसेंट भी देखा होगा नहीं हम इतने बिजी हमारे जिंदगी के स्ट्रेसेस में हमारे चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेज में कि हमने ये आप में से कितनों ने नॉर्थ और साउथ के सब बीचेस देखे हैं परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिया है एक बहुत ही सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है हमारे लिए ताकि हम खुल के जिए है ना और ये आ, जब हम हाँ अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हिसाब से चलाते हैं जो उनके वाक्य है उसके हिसाब से चलाते है, चलते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है प्रॉब्लम्स आते हैं हाँ बाइबल में अगर एक चीज़ कन्फर्म है एक चीज़ पर यशु मसीह ने कहा है कि मैं पक्का तुम्हें बताता तो, हूँ पक्का कहता हूँ तुम्हें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है ना तो हम प्रॉब्लम परमेश्वर को ये नहीं बोलते कि परमेश्वर देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हम प्रॉब्लम को देखते हैं कितना बड़ा परमेश्वर है अगर आप एम पी के बेटे हो तो आपको टोल बूथ पे क्या बोलते हो या कोई पुलिस अगर आपको रोकता है तो क्या बोलते हो तो जानता है मेरा बाप कौन है हाँ नहीं बोलते अभी तो स्कैनर आ गया ना वो डायरेक्ट नंबर होते नहीं इसको तो नहीं पहचानता हूँ मैं बट इमेजिन आपकी ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए कोई भी प्रॉब्लम आए आप क्या कह सकते हो उसको तू जानता है मेरा बाप कौन है दैट इज आर वो हमारा ताकत है ही दैट इज आर है ना फाइनली जब हम परमेश्वर के बारे में इतना जब हम आ, जो परमेश्वर है ना हमारे जिंदगी में ना जब जो गर्व है जब वो निकालते हैं तो वहाँ भी और डालेंगे क्या कुछ तो डालना है ना अभी आप आ, आ, जो साइंस का लॉ ये कहता है कि जब आप कोई चीज़ को निकालो तो वहाँ कुछ ना कुछ और जाके बैठ जाता है है ना तो जब हमारे में से परमेश्वर गर्व निकालते हैं तो वहां डालते क्या है हम्बलनेस यस एंड वी शुड है humbleness को क्या बोलते हैं हम दीनता दीनता जो है ना उसे हम कपड़े की तरह पहनना चाहिए हमारे ऊपर ना कि uh, गर्व को है ना क्योंकि जो ये है वो हम सबके ऊपर अच्छा दिखता है इट्स इट्स लाइक अ सूट इट्स लाइक अ डिजाइनर सूट है ना सबके ऊपर इट लुक्स नाइस क्योंकि हम जब दीनता से जब नम्रता से बात करते किसी के साथ आपको आज तक तो कोई ऐसा व्यक्ति आ, मिला है आपके सामने जिसने आपसे नम्र से बात किया हो और आपको गुस्सा आया हो और इतने नम्रता से क्यों बात कर रहे हैं मेरे से <laughs> नहीं है थैंक यू सर थैंक यू सो मच हाउ आर यू डूइंग ये ये ट्रिक ना कभी आप एक्सीडेंट में ना या कुछ भी झगड़े में ना ये ट्राई करो वो आ रहे हैं गुस्से में गुस्से में आ रहा है वो झगड़ा करने के लिए रेडी है हम क्या करते हैं आ, आ जा है ना बट इमेजिन दिस बट ट्राई दिस वंस वो आ रहा है अरे आई एम सो सॉरी यार मेरे से गलती हो गया आई एम रियली सॉरी सडनली वो उसको वो कन्फ्यूज हो जाता है क्या करना है अभी सॉरी तो बोल दिया इसने अभी मैं क्या करूँ यू नो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आकर्षित चीज़ नहीं है बट ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है जब हम दीनता से अपनी ज़िंदगी जीते हैं हम परमेश्वर का जो फेवर है हमारे ज़िंदगी में आता है ना हम परमेश्वर के हाथ परमेश्वर का हाथ जो है वो परमेश्वर के हाथ के अंदर हम कवर हो जाते हैं वो हमें वो संभालता है हमको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो उसे हमें कभी भी गर्व से नहीं देखना चाहिए हमें दीनता के कपड़े पहन के दीनता से आगे बढ़ना चाहिए है ना और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आ, जब हम Uh, जो गर्व है ना वो पाप पाप पहुंचने का सबसे पहला स्टेप है इट्स ओनली मी मैं कर सकता हूँ मैं करके दिखाता हूँ मैं 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 और हम परमेश्वर से दूर दूर होते रहते हैं परमेश्वर नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ परमेश्वर नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ और जितना हम रोशनी से दूर जाते हैं उतना ही हम अंधकार के पास आते हैं है ना सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है आज मेरा 20 मिनट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और uh, एक दो लोग ऐसे यौन करना मैंने देख देख लिया पीछे आशीष रहा तेरे को है ना बट uh, एक चीज आप अगर एक चीज लेके जा सकते हैं आज वापस तो वो ये है कि हम हमारे जिंदगी में आज तक जो तक जो भी हमने किया है आज तक जो भी अकम, अकम्पलिशमेंट किया है आज रूम में काफ़ी लोग बैठे हैं जो परमेश्वर ने आपको काफ़ी चीज़ें चीज़ें दी है परमेश्वर आपने आपके लिए काफ़ी चीज़ें किए हैं आज एक बार बस बैठ के उनको धन्यवाद कीजिए थैंक यू लॉर्ड फॉर द थिंग्स यू मेड फॉर मी थैंक यू मैं मैं आपको कहता हूँ मैं आपको दो मिनट ये देता बोलता, बोलता हूँ मेरा जो कॉफी कौ, का कैफ़े है वो ऑलमोस्ट एक आधा करोड़ का बिजनेस है और उसको सेटअप करने के लिए मेरे पास पच्चीस हजार रुपये थे बस और एक हफ्ते पहले मैं मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या और तीन मिनट में किसी के साथ बैठा और परमेश्वर ने उनके दिमाग में पता नहीं क्या किया उन्होंने सोलह लाख दिया किसी और ने सोलह लाख दिया बत्तीस लाख हो गया किसी और ने आठ लाख दिया चालीस लाख हो गया हमने कैफे बना दिया आज उस कैफे में काफी अनाथ बच्चे हैं जो आ, जो बहुत ही हाई लेवल पे कॉफ़ी बनाना सीख रहे हैं बहुत ही एक उमदा लेवल पे उनका कॉफ़ी वो जाके स्टार बक्स या ऐसे बड़े बड़े जगहों पे जाके काम कर काम कर सकता है दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे हैं और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलो वाह ये मैं नहीं ये परमेश्वर की आरा परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर को सारी महिमा हो उसके लिए और हमारे ज़िंदगी में जो भी करते हैं हम एक चीज़ याद रखिएगा कि जब परमेश्वर हमारे साथ है ना तो कुछ भी नहीं कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें ठोक दे सकती जो हमें नीचे गिरा सकती है Amen. Amen? Amen. 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 मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ yes. जी प्यारे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विनती मांगते हैं परमेश्वर कि जो भी चीज़ हमारी जिंदगी में आपने हमें दिया हो परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर और हमारी विनती ये है परमेश्वर कि हमें कभी भी ऐसे महसूस ना होने दो परमेश्वर कि ये मैंने खुद अपने पैरों पर किया है परमेश्वर क्योंकि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन तो आप ही है परमेश्वर क्योंकि हमारी कोई भी कोई भी चीज़ जिसको हम बनाते हैं परमेश्वर उसका नीव आप ही है परमेश्वर लॉर्ड यू आर द ग्राउंड बिनीथ ऑफ ही यू आर द फाउंडेशन टू एनी हाउस लॉड सो हाउ कैन बी एवर से लुक वॉट आई हैव बिल्ट Father? फादर और लुक of you, Lord फ़ादर इट्स ओनली बिकॉज ऑफ़ यू Father, फादर you will फादर दैट शो us, Lord फादर एंड यू विल इंस्टिल इन us, Lord, एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी Lord फादर परमेश्वर में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हम में परमेश्वर एक दीन तक दीन दीन बनाए परमेश्वर और हम एक दीन तक की जिंदगी जी पाए परमेश्वर ताकि हम लोगों को ये दिखा सके कि मैं कितना छोटू छोटा हूँ मैं कितना छोटा हूँ पर मेरा परमेश्वर कितना महान है और उनके महानता के वजह से उनके योजना के वजह से आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें